दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड की संपूर्ण सेवाओं का लाभ अपने मोबाइल से उठाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं, जहां से आप राशन कार्ड की संपूर्ण सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। नए फैमिली मेंबर ऐड करने से लेकर मोबाइल नंबर तक को चेंज करने की, राशन कार्ड को सरेंडर करने की, स्टेटस चेक करने की सारी फैसिलिटी आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो कैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कौन सा है यह एप्लीकेशन है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड की सर्विसों का लाभ लेने के लिए आपको मेरा राशन की आईडी कैसे बनानी है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, हम आ गए हैं मोबाइल में और यहाँ पर सबसे पहले चलना है हमें प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर देखिए, हम मोबाइल की प्ले स्टोर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने प्ले स्टोर खोल रखी है और यहाँ पर अब हमें मेरा राशन ऐप को सर्च करना है। तो सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम मेरा राशन। ये देखिए, मेरा राशन ऐप आ गया और यहाँ पर देखिए लिखा है मेरा राशन 2.0। अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स, हमने इसे पहले ही इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए देखिए ये इस प्रकार से जो है ओपन करने के लिए आ रहा है। तो चलिए हम करते हैं इसे ओपन। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो पहली बार आपसे मांगेगा कि इसकी परमिशन कुछ अलाउ करिए, इसे नोटिफिकेशन की परमिशन, तो हम अलाउ कर देते हैं। और जैसे हम इसे अलाउ करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और ये हमें यहाँ पर लैंग्वेज चुनने के लिए आएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देते हैं, आप चाहें तो अपनी भाषा सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पर इसका कुछ पॉपअप दिखा रहा है। तो देखिए, जब आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आती है तो अब आपको गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से लॉगिन करने को बोलेगा। जब आप पहली बार यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर से इसे लॉगिन करना है। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है यहाँ पर बेनिफिशियरी यूजर्स और दूसरा है डिपार्टमेंट यूजर्स। तो आपको बेनिफिशियरी यूजर्स पे चेकमार्क लगाना है और यहाँ पर आधार नंबर डालना है, फिर आपको एक कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, जब आप लॉगिन ओटीपी पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, आपको यहाँ ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए इस प्रकार से पेज आएगा और आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा और फिर आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर कोई ओटीपी आता है या नहीं, फिर हम यहाँ पर भरते हैं और वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से लिखा आएगा ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, आपको यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए आएगा क्रिएट एम पिन, तो हमें यहाँ पर क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। और देखिए, अब हमें यहाँ पर एक एम पिन सेट करना है, तो हम यहाँ पर एक एम पिन जो है बना लेते हैं। आप कोई भी एक एम पिन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एम पिन सेट कर लिया है, हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और फिर से हमें वही एम पिन दोबारा डालना है। तो चलिए हम एम पिन दोबारा डालते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एम पिन दोबारा डाला है, हम यहाँ पर क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है योर एम पिन कोड हैज़ बीन सेव, हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार से बोलेगा कि अपनी लोकेशन को ऑन करिए, हम ओनली दिस टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्किप आएगा, हम इसे स्किप कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमारा डैशबोर्ड इस प्रकार से खुल गया है और हमारा राशन भी यहाँ पर खुल गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम राशन कार्ड की संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, ईकेवाईसी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, नए मेंबर को ऐड कर सकते हैं, राशन कार्ड की स्थिति देख सकते हैं, राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, हमें यहाँ पर हम मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो देखिए मैनेज फैमिली डिटेल्स है, उसके बाद यहाँ पर राशन इंस्ट्रूमेंट है, सरेंडर आरसी है, आरसी ट्रांसफर है, ट्रैक माई राशन है, माई गिवरेंस है, चेंज पिन है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पर नया मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से आप यहाँ पर फैमिली मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मेरा राशन ऐप का अपना आईडी पासवर्ड तैयार कर सकते हैं और अगर आपको राशन कार्ड की कोई सेवा चाहिए तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।